मैं लिख दो, नहीं यार ये सब SSC का लेवल नहीं है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको यूट्यूब फॉलो करो, मेरा मत करो। नेक्स्ट देखिए, ए कंपनी अलाउड 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय सेल्स मैन। ए कंपनी अलाउ 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय सेल्स मैन एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर ₹18,000, सेल्स ओवर ₹18,000। इफ द सेल्स मैन डिपॉजिट ₹86,180 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल मेड बाय हिम, फाइंड द टोटल सेल। मैं एक बार और पढ़ता हूँ इंग्लिश में क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कंपनी अलाउ 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय सेल्स मैन एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर ₹18,000। इफ द सेल्स मैन डिपॉजिट ₹86,180 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल मेड बाय सेल्स मैन, फाइंड द टोटल सेल। हिंदी में, एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काटकर शेष ₹86,180 जमा कराता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री ज्ञात करें। बहुत प्यारे बच्चों भाई आप सब, शाबाश, बताओ, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है और अब बेहतरीन बच्चे हैं। इन्जॉय करो, पढ़ो, सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जब हम इस लेवल का पढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ मैं, टाइप वाइज भी पढ़ा रहा हूँ, चार टाइप हम पहले पढ़ा चुके हैं इस टॉपिक के, वो देखो यूट्यूब पे, ये पांचवा टाइप है परसेंटेज का, और वीडियो नंबर हमारी ये चार है, तीन वीडियो जा चुके, तीन वीडियो में चार टाइप। ऐसे ही मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया मैंने, सारे टाइप के क्वेश्चन, नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो देखो, ट्रेन पढ़ाया मैंने, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाए वो भी देखो, बोट एंड स्टीम पढ़ाया वो भी देखो, नाव और धारा, और रेस पढ़ाया मैंने, रेस के क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाता, मैंने अलग से टॉपिक पढ़ाया वो भी देखो आप मेरे, और मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया है वो भी देखो, रेशियो आधा पढ़ाया पूरा करवाएंगे इस टॉपिक के बाद तो वो देखो आप, और चीज़ों को देखते जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया वो भी आधा पढ़ाया पूरा पढ़ाएंगे धीरे 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 सारी चीज़ें। एलजेब्रा पढ़ाया वो भी कुछ वीडियो डाली पूरी नहीं डाली, लेकिन अब यूट्यूब पे पूरा कंटेंट डालेंगे। अब मज़े से पढ़ो और मौज लो चीज़ों को, देखो ध्यान से भी। सेल्समैन को कितने परसेंट कमीशन पर नियुक्त किया जाता है? 13%। कितनी बिक्री तक? 18,000 तक बच्चे उसको 13% दे रहे, इससे ऊपर की बिक्री पर 1% ज़्यादा, तो 13 में 1% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? अपनी कमाई काट कर वो कंपनी में कितने जमा करा रहे? यही जमा करा रहे बच्चे। अब देखो, अगर यहाँ 13 दे रहे हैं उसको, यहाँ कितना दे रहे हैं? अगर हम उसको यहाँ भी 14 दे दे तो सब जगह 14 मिलता उसको, सब जगह 14 मिलता, तो 18,000 का 1% कितना होता? ₹180। तो ₹180 इसको ज़्यादा ही मिलते हैं ना सेल्समैन को, तो कंपनी में कम जमा कराता, तो कंपनी में कितने जमा कराता? 86,000, और 14% उसका था, उसने अपना 14% ले लिया, बचा कितने परसेंट? अरे 100% में से 14% कमीशन रख लिया जेब में, कितना बचा? 86 की वैल्यू दे रही कि 100 की, तो 1 की 1,000, तो 100 की 1,00,000 रुपये। इस सवाल का उत्तर देखो, बस लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं घुमाएगा, इतने मैं घुमा रहा हूँ इतने नहीं घुमाएगा पेपर, वहाँ नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ घूम जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो चीज़ें बेहतरीन पढ़ो, कंटेंट ऐसा पढ़ो कि सामने वालों को लगे यार बंदे में दम है, मजे लो चीज़ों के, मज़ा आ रहा है। बहुत बेहतरीन बच्चे हो आप सब, इतने प्यारे बच्चे लगते हो मुझे, मैं कुछ कह नहीं सकता आपके बारे में। आगे बढ़ते हैं,
मिटा दें। चलिए 27 नंबर देखो, इसके बाद थोड़ा टाइप चेंज होता है, ये 2015 के बाद ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 29%, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 29%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 16%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। यदि आयकर में 29% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो शुद्ध आय में 16% की कमी होती है। कितनी होती है? 16% की कमी होती है। तो आयकर की दर ज्ञात करें। देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर आप करना। इसने बोला आयकर में 29% की वृद्धि, यानी टैक्स जो था हमारा कुछ भी था उसका 29%। फिर बोला है उसी टाइम शुद्ध आय में 16% की कमी होती है। शुद्ध आय को बोलते हैं इंग्लिश में नेट इनकम। अगर आयकर में इतनी तो नेट इनकम में 16% की कमी, यही होगी। अगर मैं इसको 100 से 100 कैंसिल कर दूँ तो ऊपर क्या आया? टैक्स। नीचे क्या आई? इधर लिया है नेट इनकम को, और यहाँ ऊपर कितना और यहाँ कितना? 30। आगे क्या पूछा है? तो आयकर की दर ज्ञात करें, टैक्स की रेट पूछी गई है। आप ध्यान से समझो, अगर 16 रुपये आप टैक्स देते हो, टैक्स देने के बाद आपके पास कितने रुपए बचते? तो आपकी टोटल इनकम कितनी थी? दोनों का जोड़ थी टोटल इनकम। नेट इनकम इतनी बची, टैक्स देने के बाद नेट इनकम कितनी थी? 45। तो 16 रुपये आयकर की दर पूछ रहे हैं, टैक्स परसेंटेज। 16 रुपये देते हैं किस पर? हम पूरी इनकम पर, गुणा 5 से काटा 320/9। हम 320/9 को करेंगे 35.5/9%। 35.5/9% इस सवाल का उत्तर है। 35.5 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? पेपर में ऐसे ऑप्शन दिए होंगे आपको। तरीका समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ो और मजे लो चीज़ों के, कैसे पढ़ना है। आगे देखते हैं 28 नंबर बच्चे आज। मिटा दें। मिटा दें। चलो, बहुत प्यारे बच्चे भाई, और जो बच्चे सो रहे हैं उनको जगाओ, सेशन को शेयर करो। जितने ज़्यादा बच्चे हों उतनी डेली क्लास मिलेगी, नहीं तो धीरे धीरे क्लास ऐसी मिलेगी, वीक में एक या वीक में दो। डेली चाहते हो तो शेयर करो, 100 बच्चे लाइव हो जाएंगे तो डेली क्लास उस दिन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाय ₹10,000 देन टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 20% to 15%। While in both the situation, 30% income is tax free. Find the his initial income he paid equal tax in both cases. एक आदमी की आय 10,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 20% से घटकर कितनी रह जाती है? 15%। जबकि दोनों परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है और दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है? आरंभिक आय ज्ञात करनी है। देखो एक मैं बताता हूँ, उसके बाद आप करना। मान ली हमने इनिशियल इनकम एक्स मान ली, इनिशियल इनकम का मतलब आरंभिक आय। देखो वैसे भी हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन इस तरीके से मुझे लग रहा है एक्स वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। जो चीज़ दिमाग में बैठे उससे कर लो। अब उसने बोला है आयकर की दर 20% से घटकर 15% रह जाती है जब आदमी की आय 10,000 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 10,000।
एक जगह तो एक्स आए और एक जगह 10,000 हो गई, यही कह रहा है। तो इनकम आयकर की इधर कितनी हो गई, यहाँ 20% मिल रहा था आयकर और यहाँ कितना मिल रहा है, 15%, कोई दिक्कत है? और दोनों ही परिस्थितियों में कितनी परसेंट आयकर मुक्त है, 30 पे टैक्स नहीं लगता, तो भैया टैक्स कितने परसेंट पे लगता है, और यहाँ भी कितने पे लगता है, 70 पर। क्या बात क्लियर है? दोनों परिस्थितियों में 30% कर है तो 70 पे लगता है। और ये आगे कह रहा है दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, समान का मतलब ये और ये वैल्यू इक्वल है। तो अब सिंपल बात है, 70/100 से इस 100 से 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4x 3x बराबर प्लस 30,000। 3 इधर ले आएंगे, 4 में से 3 जाएगा, तो इनिशियल इनकम कितनी आ गई इसकी, ये इस सवाल का उत्तर। बेहतरीन तरीका ही है, और कोई तरीका मत लगाओ, और भी तरीके हैं इसके, लेकिन मुझे लगता है बेहतरीन तरीका है, इसलिए इसी तरीके से इसको कर लो। तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सारी चीज़ आएंगी, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हो तो। अच्छे टीचर से नहीं पढ़ते हो तो बेटा चीज़ें समझने में आपको टाइम लगेगा, और मैं नहीं चाहता आपको आने वाले टाइम में टाइम लगे। SSC के अंदर आपको इंस्पेक्टर बनना है, छोटी मोटी जॉब की तो बात नहीं करा, पढ़ते रहोगे SSC 10+2 तो यूँ ही निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर मारो और देखो कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको। देख के भैया हिला मत देना नीचे, आगे बढ़े। 29 नंबर क्वेश्चन सेम एज इट इज है बच्चों, उसका आंसर आप कमेंट करो, मुझे पढ़ मैं देता हूँ क्या है 29 नंबर। देखो इसको मिटाते ही बोर्ड पे लगा देंगे हमारे कंप्यूटर जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। कंप्यूटर जी 29 क्वेश्चन लगा दीजिए भैया। द इनकम ऑफ ए मैन इज रुपीज 88,880, 88,880। नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड एंड टैक्स रेट इज रिड्यूस फ्रॉम 13% टू 11%। वाइल इन बोथ द सिचुएशन 40% इनकम इज टैक्स फ्री। फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। एक आदमी की आय 88,880 है, जब इसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 13% से घटकर 11% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 40% आयकर मुक्त है तथा दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में वृद्धि ज्ञात करें। तो कितनी बढ़ी है आय, बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है। थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन आएगा आपको समझ में। बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों, ट्राई करो, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, लैंग्वेज समझो तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा बच्चों। और आप सब बहुत प्यारे बच्चे हो इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हो गया, बातचीत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो आप सब, बहुत बेहतरीन बच्चे भी। हो गया, देखो इधर, एक आदमी की आय कितनी है भैया, 88,880 रुपये, यही है। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है उसको एक्स मान लेते हैं। माना बढ़ी हुई आय या इनक्रीजेज आय, एक्स 88,880 रुपये उसकी इनकम है। अगर उसकी इनकम एक्स रुपये बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी, प्लस एक्स। तो आयकर की दर 13% से घटकर कितनी हो जा रही है, 11%। और दोनों परिस्थितियों में कितनी फ्री है, 40% फ्री है, 40% इसकी यहाँ लिखता हूँ और यहाँ भी 40%,
और दोनों परिस्थितियों में कैसे कर चुकाता है, इक्वल कर चुकाता है। देखो 40 से 40 वाली चीज़, 100 से 100 वाली चीज़। अब कई बच्चे इसकी गुणा में लग जाते हैं, गधे होते। देखो करने का तरीका, इसकी गुणा इतनी है, अब इसकी गुणा 11 गुणा 11 से एक बार और 11 से x से करेंगे। तो अब देखो 11x 88,880 गुणा 13, 88,880 गुणा 11। अगर 88,880 में से इसमें से हम ये चीज़ घटाएं तो कितना बचेगा, 11x बराबर 88,880, 13 में से 11 गए, 2 बच गए। तो 11 से काटेंगे, 11 88 0 गुणा 2, तो 0 2 8 16, 2 8 16 16,160 इस सवाल का उत्तर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। अब कई बच्चे इसकी यहाँ गुणा करते, फिर यहाँ करते, फिर घटाते, क्या फ़ायदा, क्यों गधे बनते हो भाई। इतनी इनकम थी 13% था, यहाँ कितना है, बढ़ी गया एक्स, तो 11 हो गया। बस कैलकुलेट करना है इसको। कैलकुलेशन है पाँचवीं सातवीं वाला मैथ है फिर तो। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत आगे तक जाओगे आप लोग। अच्छे अच्छे चीज़ें पढ़ते रहो यार, दोस्तों को शेयर करते रहो, बताते रहो। एक बंसल सर है, ऐसे ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है और मज़ेदार क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो। कहा भैया मिटा दें इसको, बहुत बच्चे अच्छे बच्चे हो आप सब, आराम आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे, जल्दबाजी कोई करेगा नहीं। जल्दबाजी करोगे तो बीच के क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ना में कुछ नहीं है। चले आगे देखते हैं, 30 नंबर बेटा, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप सब, मज़े ले रहे हो जिंदगी के। अगर आप अभी पढ़ाई के साथ मज़े लोगे तो कल ज़िंदगी आपकी मज़े लेगी, आपको इंस्पेक्टर बना देगी। इसलिए पढ़ाई करो, सीरियस करो, अच्छे टीचर से पढ़ो। 30 नंबर देखो, ए कंपनी अलाओ 25% कमीशन टू इस सेल्समैन ऑन द टोटल सेल एंड 12/2% बोनस बिसाइड द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला दे रखा है इसने, नेट प्रॉफिट बराबर, क्वेश्चन में दे रखा भैया, नेट प्रॉफिट क्या क्या लेना हमें, टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस, ये क्वेश्चन में बोला भैया उसने। इसने बोला है एक कंपनी अपने सेल्समैन को, ए कंपनी अलाउ 25% कमीशन टू सेल्समैन ऑन द टोटल सेल एंड 12/2% बोनस बिसाइड द कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस आफ्टर चार्जिंग सच बोनस इफ द टोटल सेल एंड प्रॉफिट आर ₹10,000 एंड ₹12,870 1,28,700 फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 25% कमीशन, अब देखो देती है, तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ बराबर कुल लाभ माइनस बोनस पर 12.5% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री व लाभ, कुल बिक्री दे रखी कितनी, कुल बिक्री दे रखी कितनी भैया, ये 10 लाख हो गया, 10 ज़्यादा है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000,00,000 10 लाख, और इसका 25%, तो 10 लाख का 25% होगा सीधा सीधा 2,50,000 रुपये, यही होगा, इतना कमीशन उसको देती है, ये कमीशन है उसका, मैंने इस पर गोला लगा दिया। और इसके बाद आप बोल रही है लाभ, लाभ दे रखी 12 लाख
लाभ है भैया 128,700 है। ये लाभ कितना है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट है कितना लाभ हमारे पास क्वेश्चन में, देखो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी नेट प्रॉफिट अगर 8 है और बोनस हमारे पास 1 है तो ये कितना आएगा टोटल प्रॉफिट भैया, ये 8 है ये बोनस 1 है, तो ऐसा क्या चीज़ लिखे 9 में से घटाएंगे तभी तो 8 आएगा, तो इस 9 की वैल्यू दे रखी इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 × 1 = 9, 3 × 9 = 36, 2 × 9 = 27, 14,300। अब देखो उसको इतना कमीशन यहाँ इतना यहाँ दोनों को जोड़ दो, 2,50,000 प्लस 14,300 जोड़ दो तो 2,64,300 रुपये उसको मिलता, ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर है। फिर से सुन लो, 10,00,000 की बिक्री पर 25% कमीशन है तो 2,50,000 तो उसको मिलना ही मिलना है। फिर से बोला टोटल प्रॉफिट पर 12.5% नेट प्रॉफिट, अगर नेट 8 है तो एक बोनस तो यहाँ कितना आ जाएगा, बस ये लाभ पर 9 यूनिट की वैल्यू है, 1 की वैल्यू निकालनी क्योंकि बोनस 1 था, 2 होता तो 2 की वैल्यू निकालते, तो 1 की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? और सबसे बेहतरीन आज की क्लास का नंबर 1 बेहतरीन क्वेश्चन है इसके बाद वाला 31 नंबर, इसके बाद आएगा एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन, बच्चों के बुखार चढ़ा देता है क्वेश्चन, 31 नंबर बच्चों के बुखार चढ़ा देता है, ऐसा क्वेश्चन बताओ। अच्छे अच्छे बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, करो शाबाश भाई, बहुत बच्चे, एक नंबर के क्वेश्चन करा रहा हूँ आज मैं, अच्छे नंबर के क्वेश्चन। हो गया भाई वाह, 31 नंबर, देखो आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 31 नंबर है, अच्छे अच्छे बच्चे हिलते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आप सब नहीं लोगे किताब में जब इस क्वेश्चन को देखोगे। देखो भाई 31 नंबर, ए कंपनी अलाउ 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल टू इट्स सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ ₹4,000 एंड 6% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन ₹12,000, इफ इन द सेकेंड कंडीशन द सेल्समैन रिसीव ₹1,300 मोर देन द फर्स्ट कंडीशन, फाइंड द टोटल सेल। फिर से सुनो ध्यान से, ए कंपनी अलाउ 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल टू इट्स सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ ₹4,000 एंड 6% कमीशन ऑन टोटल सेल मोर देन द ₹12,000, इफ इन सेकेंड कंडीशन द सेल्समैन रिसीव ₹1,300 मोर देन द फर्स्ट कंडीशन, फाइंड द टोटल सेल। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, कितनी देती है 9%, परंतु यदि कंपनियां अपने सेल्समैन को ₹4,000 वेतन तथा 12,000 से अधिक की बिक्री पर 6% कमीशन देती है तो सेल्समैन की दूसरी स्थिति में पहले से ₹1,300 अधिक मिलते हैं कुल बिक्री याद के। बताओ एक्स वाला तरीका बताओ या डायरेक्ट अपने वाला बताओ। देखो डायरेक्ट सुनो, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितना परसेंट देती है, यदि वो सेल्समैन को ₹4,000 वेतन तथा 12,000 की अधिक बिक्री पर 6% कमीशन देती है। देखो 12,000 यहाँ है और यहाँ भी कितना परसेंट मिल रहा है उसको 9%, और इससे ऊपर बिक्री कर रहा है मान लो कुछ भी हो एक्स पेरेक्स वाई, उसको भी कितना मिलता है यहाँ पे पूरे पे 9% देती है, ठीक है 4,000 तथा 12,000 से अधिक की बिक्री पर 6%।
अब देखो 12,000 का 9% कितना होता है, 12 × 9 1,080, क्लियर है। लेकिन कह रहा इससे ऊपर तो 6% देती है, तो बंदे को नुकसान कितने परसेंट का हो रहा है, और उसका वेतन कितना मिल रहा है उसे भैया, उसका वेतन उसको कितना मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, जिसमें से 1,080 तो ये घटा दो उसके, क्योंकि 9% कमीशन था, तो कितना हो गया, 2 3 में से गया। और आगे भी कुछ कह रहा है, हाँ, तो सेल्समैन को दूसरी स्थिति में पहले से 1,300 अधिक मिलते, अगर 1,300 अधिक मिल रहे हैं, या तो माइनस का 3% दिखा रहे, तो 1,300 और कम कर दो उसके, तो कितना मिलता उसको, ये किसकी वैल्यू है, 3% की वैल्यू भैया 1,620। तो 1% की दोस्त 3×5 = 15, 312, और 100% की 54,000। अब 54,000 तो यहाँ पे मिल रहा है उसको, और यहाँ कितना था, क्योंकि हमने यहाँ से 3% उठाया, यहाँ कितना था, तो 54 और 12 66,000 उसकी क्या थी, है टोटल सेल थी। आज की क्लास का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9%, यहाँ भी 9, 12,000 पे तो 9 मिलता, कितना मिलता, इससे ऊपर भी कितना मिलता, 9%। परंतु यदि कंपनी अपने सेल्समैन को 4,000 रुपये वेतन, इतना तो वेतन उसको मिल रहा है, प्लस 12,000 से अधिक की बिक्री पर 6% कमीशन, इससे ऊपर की बिक्री, यहाँ भी नो, 6% अधिक मिल रहा है, तो यहाँ देखो कंपनी पहले 9 दे रही थी, 6 अधिक मिल रहा है, तो उसको बंदे को नुकसान कितने का हो रहा है, और यहाँ 4,000 वेतन मिल रहा है, 1,080 यहाँ देती, यहाँ नुकसान कितने का, तो इतना बचता। और उसके बाद कह रही है 1,300 रुपये अधिक मिलते, तो 1,300 और कम कर दो, तो किसकी वैल्यू बचती, तो 3% की वैल्यू है, 100 की इतनी निकाल दी, ये चीज़ यहाँ गई, 54 और 12 कितना हो गया, 66,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। भाई वाह, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिए हैं, तो मैं कह सकता हूँ आप वाक्य में बहुत दमदार बच्चे हो, वो वाक्य में इतना लेवल तो हम क्लास में भी नहीं बताते जितना यहाँ बच्चों को बता रहे हैं। अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमने ले ली आपकी, और हर दिन अपने उठ के सुबह उठो, जब भी उठो एक लक्ष्य निर्धारित करो कि आज मुझे क्या क्या चीज़ टारगेट, क्या क्या चीज़ पानी है, और उस चीज़ को शाम तक पालोगे खुशी। छोटे छोटे लक्ष्य, कि आज मुझे 2 ही टॉपिक पढ़ने GS के, तो 2 ही पढ़ो, आज मुझे एक इंग्लिश का, एक GS का, सुबह उठते पढ़ो, मैंने ये देख के पढ़ना है, 2 ही टॉपिक पढ़ो, तो आपको शाम तक देखोगे अगर दोनों याद हो जाते तो कितनी खुशी मिलती है। लेकिन टारगेट फिक्स करना पड़ेगा आपको, अगर टारगेट आप फिक्स नहीं करते हो तो दिक्कत है। मिटा दें, चले मिटा देते हैं इसको। आज की क्लास का 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2015 के बाद जुड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नया टाइप शुरू होगा। देखो, ए मैन सेव ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज ए मारुति इन 1 ईयर, बाय व्हाट परसेंटेज ही मस्ट इंक्रीजेज इन हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम मारुति इन 8 मंथ। एक आदमी प्रत्येक महीने अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में क्या खरीद सके, वह मारुति खरीद सके, तो ज्ञात करें उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उस मारुति को 8 महीने में खरीद सके। देखो ध्यान से सुनना, एक आदमी मान लो उसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो घर वाले मतलब वो आदमी और उसकी पत्नी दोनों निर्धारित करते हैं कि भैया 12 महीनों में हम कार ले लेंगे ताकि कहीं घूमना फिरना पड़े। अब थोड़े दिन में घर वाले को कहीं जाना था, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1-2 दिन बाद कहीं वो ले गया, तो गर्मी ज़्यादा थी, गर्मी लगी, कहती नहीं मुझे तो कार जल्दी चाहिए, 8 ही महीने में लेनी है। अब आदमी परेशान, अगर भैया 12 महीनों के अंदर कुछ सेविंग करके चलते तभी तो लेते, 8 महीने मिलने तो आपको सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपकी इनकम कितनी है, देखो 12 और 8 से कटने वाली संख्या इनकम मान लो कितनी है,
24, मान लो 24 रुपए की कार आती थी मान लो, तो हर महीने आपको कितने रुपए बचाने पड़ते हैं यहाँ पे? 8 महीने में लेनी है तो कितने? 3। यानी पहले 2 रुपए में बचाना था हर महीने, अब कितने बचाने? 3। कितने रुपए बढ़ाने आपको किस पर? तो 1/2 का मतलब 50%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। तो कैसा लगा ये सेशन दोस्तों को बताएं, ज़रूर शेयर करें। आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे घर पे। तो मिल देंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। सर इसी आप तो 6 मंथ होना चाहिए था ना, फिर 6 मंथ में होने चाहिए।